पहुंचा। आपका प्रयास इसी तरह जारी रहेगा क्या? एकदम जारी रहेगा, जब तक मैं सांसद रहूंगी। अब 5 साल और सांसद बना के रखिएगा तब 5 साल और तो क्या आपके रेल आने का पूरा संभावना है आपके कार्यकाल में? अब हम तो चाहेंगे कि हमारी जनता रेल का लाइन देखे, रेल पर चढ़े। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। लेकिन मेरा एक सोच है कि जितना जरूरत है उसके अनुसार आप जो जो मांग करते हैं उसके लिए वहाँ ठोक कर मैं बोलती हूँ। पिछले दिनों मैडम, पिछले दिनों आप ही ने पत्र दिया था उनको, तो उनके द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। हाँ। या तो इस पर हमको, हाँ तब राज्य सरकार अगर जमीन उपलब्ध कर दे, वही मांग हुआ था, अगर कर दे तो हम लोग रेल बनाने में सक्षम होगा। बहुत पहले का एस्टिमेट है, बहुत सस्ता 118 करोड़ ही था जिस समय बोर्ड लगाने वाले लगा गए, उनका नाम क्या कहें आप लोग जानते हैं। और आज का समझिए कि कई कितना है, 800 तो थोड़ा सा कई किलोमीटर, 27 किलोमीटर का है ना, और 779 हाँ करोड़ का। लेकिन ऐसे परिस्थिति को अभी भी जो हमारे रेल मंत्री बने हैं माननीय अश्वनी वैष्णव जी, तो उनसे भी मैं ये मांग की हूँ और उन्हें उन्होंने आश्वासन दिया है। तो राज्य सरकार को आप चिट्ठी लिखेगी मैडम? हाँ हाँ, जो चिट्ठी लिखे बात कराए, लेकिन उनको उतना सक्षम नहीं होंगे या काम करने में जो रास्ता लगाए होंगे वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा। आपका प्रयास इसी तरह जारी रहेगा क्या? एकदम जारी रहेगा, जब तक मैं सांसद रहूँगी। अब 5 साल और सांसद बना के रखिएगा तब 5 साल और तो क्या आपके रेल आने का पूरा संभावना है आपके कार्यकाल में? अब हम तो चाहेंगे कि हमारी जनता रेल का लाइन देखे, रेल पर चढ़े। आप 5 साल पहले बयान दी थी कि रेल का हरी झंडी हम ही दिखाएंगे। हाँ? उस पे कहेंगे पानी फिर गया मैडम? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पानी नहीं फिरता जी। पानी से उबार कर इस शिवर को लाए हैं और बहुत ऐसी चीज को किए हैं जो आप लोग देख रहे हैं, और आप लोग को खुशी होगी कि जो काम आज तक नहीं होने वाला था, सड़कों का जाल, बेलवा घाट का पुल, वो सब देखने योग्य है। और जो जो पुल जो 6 महीना लोग घर में बैठता था लकड़ी जुगा करके, खाना जुगा करके, आज वैसा ऐसा पुल का निर्माण हमारे समय में हुआ है। कारण केंद्र सरकार के नीतियों के कारण शिवहर में रेल की सुविधा नहीं मिल रही है, कौन दोषी है? देखिए, हम रेलवे के लिए जितना प्रयत्न करना है करती रही हूँ और करती रहूँगी। जब तक रेल नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों की ताकत को मैं वहाँ तक पहुँचाती रहती हूँ। दूसरी बात है कि जितने सड़कों का जाल मैं बनाई हूँ, आप भी वर्षों से पत्रकारिता करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। इस राज का दर्जा की मांग किया जा रहा है, ये क्या मामला है? मांगने के लिए तो सब कोई मांगते रहता है, आपके माध्यम से, हम अपने जनता के माध्यम से, हम लोग मांग करते रहते हैं कि हमारा बिहार को कितना आगे बढ़ाएं और जो कमी है उसको पूरा करें। हम सब तो मांगने के लिए बैठे हुए हैं, जनता ने जितना वोट दिया है, जिस तरह से विश्वास जताया, तो हम लोग उस विश्वास में। नहीं तो राज्य सरकार की मांग केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। अब पता नहीं सुन रही है कि थोड़ा सा विलम्ब कर रही है। 300 करोड़ रुपया लेकर आए हैं राम जानकी पथ के लिए, ये नितिन गडकरी जी का देन है, उनको तो हृदय से बधाई देते, धन्यवाद देते। और मैं उस दिन सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर मैं उनके पास जाकर बोली कि आप तो दिल जीत लिए हैं हमारा ये पथ देकर, तो उसी तरह रेल भी बन जाएगा तो वो कहेंगे कि हमारे जनताओं का दिल जीत लिए।